नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पार्थ, में सर्टिफाइड करियर काउंसलर और ट्रेनर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल माई शेप में। अभी तक हमने ब्रेन जिम एक्सरसाइज में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को कंप्लीट कर दिया है और अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लेवल 3 की ओर। यानी कि लेवल 3 की हमने ब्रेन जिम एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया है और मैंने एक वीडियो डाली थी जो फ्लिपर नाम की एक्सरसाइज थी, ब्रेन जिम एक्सरसाइज लेवल 3 की फ्लिपर नाम की एक्सरसाइज थी, जिसकी चैलेंज वीडियो मैंने पहले ही डाल दी थी। आपने उस चैलेंज वीडियो को देखा होगा, वो चैलेंज वीडियो दिखने में इजी लग रही होगी आपको, जो फ्लिपर वाली एक्सरसाइज थी वो दिखने में इजी लग रही होगी, पर जब आप उसको प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत हार्ड है। आज मैं उसी चैलेंज वीडियो की मैं यहाँ पे एक्सरसाइज आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कराऊंगा और इसको किस तरीके से आसानी से करना है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें किसी डेस्क या फिर किसी ऐसी सरफेस वाली जगह या फिर टेबल का यहाँ पे हमें यूज़ करना है। अपने दोनों हाथ को कुछ इस तरीके से रखना है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप वन हम सभी को पता है हमें क्या करना है। हमें सिर्फ इस एक्सरसाइज को देखना नहीं है, हमें इस एक्सरसाइज के साथ इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन को किसी ढंग की जगह पर हमें रख देना है, ठीक है, और उसको सामने रख के हमें इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। स्टेप टू में हमें क्या करना है, हमें अपने हाथों की कुछ इस तरीके से पोजिशन बनानी है, ठीक है। हमें डेस्क के ऊपर या फिर टेबल के ऊपर कुछ इस तरीके से अपने हाथों को रखना है, इस तरीके से हमें पोजीशन बनानी है। उसके बाद हम यहाँ पे एक मेथड का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे दोनों हाथों की जो मूवमेंट रहेगी, हमारी जो भी मूवमेंट रहेगी, उसको हम कोड वर्ड में या फिर कुछ नेम के साथ इसको बताएंगे, मैं आपको बताऊँगा, जिससे आपको आसानी रहे एक्सरसाइज को समझने में और करने में, ठीक है। अगर जब हम दोनों हाथ को इस तरीके से क्लोज रखते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे CC, यानी कि दोनों हाथ को मैंने यहाँ पे कर दिया क्लोज, तो इसको कहेंगे हम CC, ठीक है। अगर दोनों हाथ को यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से ओपन करते हैं तो इसको हम कहेंगे OO या फिर OO, ठीक है। पहले हुआ CC, यानी दोनों हाथ क्लोज थे, फिर मैंने किया OO, यानी कि दोनों हाथ को मैंने कर दिया ओपन। और जब भी हम राइट हैंड को क्लोज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे RC, और जब भी हम लेफ्ट हैंड को क्लोज करेंगे तो उसको कहेंगे हम LC। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर दोनों हाथ ओपन हो गए तो OO हुआ, दोनों हाथ क्लोज हो गए तो CC हुआ। अगर हमारा राइट हैंड क्लोज होता है तो हम कहेंगे RC, और अगर हमारा लेफ्ट हैंड क्लोज होता है तो उसको हम कहेंगे LC। तो ये कोड वर्ड हम याद रखेंगे और इसका यूज़ करके हम एक्सरसाइज को अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे कोड वर्ड याद नहीं रखना है, पर अपने जो हाथ की मूवमेंट है उसको हमें ठीक से देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे कोड वर्ड रेफरेंस का काम करेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप 3 की ओर। स्टेप थ्री में क्या करना है, हमने पहले कुछ इस तरीके से पोजीशन बनाई थी, यानी कि ये सीसी वाली पोजीशन है, हमें करना है इसको ओपन, यानी कि OO, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों हाथों को ओपन किया, इसको मैंने कहा OO। फिर हमें करना है RC, यानी कि राइट हैंड को क्लोज करना है, ठीक है। क्या किया मैंने, दोनों हाथ यहाँ पे क्लोज थे, इसको किया ओपन यानी OO, फिर RC, यानी कि राइट हैंड को हमें क्लोज करना है। तो फिर से करते हैं OO RC। उसके बाद हमें क्या करना है, LC, यानी कि लेफ्ट हैंड को क्लोज करना है पर राइट हैंड को हमें ओपन करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, OO RC LC, गुड। हम इसकी फिर से प्रैक्टिस करते हैं, OO RC LC, गुड। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक हम पहुँच गए LC में, अब हमें दोनों हाथों को क्लोज करना है कुछ इस तरीके से क्लोज। ये हाथ तो हमारा क्लोज था ही लेफ्ट हैंड, ठीक है, हमें राइट हैंड को क्लोज करना है, यानी दोनों हाथों के क्लोज, तो इसको हम कहेंगे CC। तो ये पूरी की पूरी जो हमारी मूवमेंट रहेंगी हाथों की, तो वो कुछ इस तरीके से रहेगी, OO RC LC CC। क्या किया मैंने, OO RC LC CC, गुड। अब हम इसकी 3 बार प्रैक्टिस करते हैं, आपको भी इस प्रैक्टिस को मेरे साथ करना है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, OO RC LC CC, OO
RC LC CC OO RC LC CC. नाइस। अब हम चलते हैं स्टेप फोर की ओर। स्टेप फोर में क्या करना है, हमने जो स्टेप थ्री किया था उसका ओपोजिट करना है, यानी हमने यहाँ पे RC और LC किया था। स्टेप फोर में हमें पहले LC और RC करना है, यानी कि स्टेप थ्री में हमने पहले राइट हैंड को क्लोज किया था, अब स्टेप फोर में हमें पहले लेफ्ट हैंड को क्लोज करना है। तो चलिए उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हमारी पहली पोजीशन रहेगी CC वाली, ठीक है। फिर हमें करना है OO, यानी कि दोनों हाथों को ओपन करना है, पर अब इस बार हमें करना है LC, यानी कि लेफ्ट हैंड को क्लोज करना है। फिर होगा RC और फिर होगा CC। क्या किया मैंने, दोनों हाथों को इस तरीके से ओपन किया, फिर अपने लेफ्ट हैंड को क्लोज किया, फिर अपने राइट हैंड को क्लोज किया और फिर दोनों हाथों को क्लोज किया, यानी ये वाला हाथ तो जो था वो क्लोज ही था, ठीक है। सिर्फ हमने अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से क्लोज कर दिया। तो ये सारी मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगी, OO LC RC CC। तो चलिए अब हम इसकी तीन बार प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्ट, OO LC RC CC OO LC RC CC OO LC RC CC। नाइस। तो हमने अब तक स्टेप थ्री और स्टेप फोर दोनों की यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली है। अब हम स्टेप थ्री और स्टेप फोर को दोनों को एक साथ करेंगे स्टेप फाइव में। तो चलिए उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। स्टेप फाइव में क्या करना है, स्टेप थ्री और स्टेप फोर को एक दूसरे के बाद रिपीट करना है कुछ इस तरीके से। पहले हमें स्टेप थ्री वाली एक्सरसाइज करनी है, OO RC LC CC, ये हुई स्टेप थ्री की एक्सरसाइज। अब हम करते हैं स्टेप फोर, OO LC RC CC। तो हमें कुछ इस तरीके से एक सीक्वेंस मिलेगा। पहले हमें क्या करना है, OO फिर RC LC CC फिर OO LC RC CC, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस बन गई, यानी कि स्टेप थ्री भी आ गया और स्टेप फोर भी, ये दोनों यहाँ पे एक्सरसाइज आ जाती है, दोनों स्टेप की एक्सरसाइज आ जाती है। तो चलिए हम इसको एक ही साथ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक बार प्रैक्टिस करते हैं, OO RC LC CC OO LC RC CC। फिर से इसकी ट्राई करते हैं हम, OO RC LC CC OO LC RC CC। पहले राइट वाला पोर्शन आएगा, फिर लेफ्ट वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। तो अब हम इसकी फिर से एक बार लास्ट बार हम प्रैक्टिस करते हैं, OO RC LC CC OO LC RC CC। नाइस। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसकी तीन बार प्रैक्टिस यहाँ पे कर ली है। आपको सिंपली समझना है कि किस तरीके से इस एक्सरसाइज को करना है और किस तरीके से इसकी सीक्वेंस रहेगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो में से कुछ वैल्यू मिल रही है तो आप इस वैल्यू को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे लाइक दे सकते हैं, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और बेल आइकन को क्लिक करके आप मेरी डेली नोटिफिकेशन को पा सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।